नमस्कार दोस्तों, हमारी पहाड़ी वाटी का यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं भीमताल में पैराग्लाइडिंग कैसे करना है और कहां से आपको करना है इसके बारे में बताऊंगा, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के बारे में। दोस्तों जब आप काठगोदाम से भीमताल पहुंच जाते हैं, भीमताल तिकोनिया पड़ता है, तिकोनिया में लेफ्ट वाली रोड भवाली नैनीताल को जाती है और राइट वाली जो रोड है वो भीमताल अंदर की ओर जाती है। तो दोस्तों यदि आपको पैराग्लाइडिंग करना है भीमताल के अंदर तो आपको राइट वाली सड़क पकड़नी है। तो दोस्तों चलिए अब आपको मैं पैराग्लाइडिंग की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये नगर पंचायत भीमताल की पार्किंग है। पार्किंग में यदि आपको बाजार या बोटिंग करनी है तो आपको सीधे नीचे की ओर चले जाना है, और यदि आपको पैराग्लाइडिंग या नकुचियाताल साइड की ओर जाना है तो आपको ऊपर वाली रोड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि ये वन वे है। आप लोग के लेक वगैरह अगर आपको घूमना है तो लेक के लिए जा सकते हैं, नीचे पार्किंग वगैरह है, और नीचे से अगर आप ऊपर जाएंगे वो वन वे है, तो अगर ऊपर से कोई गाड़ी आ गई तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे कोई बड़ा सा मतलब साइन वगैरह भी नहीं है कि वन वे है करके, तो ये मतलब बहुत सारे गेस्टों को कन्फ्यूज़न हो जाता है और नीचे से आते हैं फिर उनको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आने में। अगर आपको नकुचियाताल साइड जाना है तो आपको वन वे ऊपर जो ऊपर वाला लेना पड़ेगा। से हॉट एयर बलून के लिए जाते हैं, अभी तो हो नहीं रहा है क्योंकि कुछ फिक्स टाइमिंग है नहीं इनकी, तो यहाँ से अगर आपको हॉट एयर बलून के लिए जाना हो यहाँ पे जाते हैं। ये अभी आके जब वीडियो बनाएंगे तब भी दिखा देंगे अगर हो रहा हो। यहाँ से आपको सीधे चलते रहना है इस रोड, इस एरिया को बोलते हैं नकुचियाताल वाली रोड बोलते हैं, बेसिकली यहीं से आपको पैराग्लाइडिंग और अगर आप वाटिका यहाँ पे आप कुछ सामने से आपको दिख जाएगा पैराग्लाइडिंग के वो दिखते लग जाएंगे यहाँ पे। जैसे ये पैराग्लाइडिंग है, वो है यहाँ पे इनका ऑफिस है, बस पैराग्लाइडिंग का। एक पैराग्लाइडिंग यहाँ पे आप इनके ऑफिस से भी कर सकते हैं, नंबर से लेकर ये भी एक ऑफिस है, यहाँ पे सभी तक आप बार्गेन कर सकते हैं लोगों से, यहाँ पे रेट थोड़ा सा हाई होता है।
से आइएगा। मौसम काफी प्यारा होगा आज। और ये सामने रहा दुबाटी रेस्टोरेंट, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे बता सकते हैं। पैराग्लाइडिंग करने के बाद, पैराग्लाइडिंग करने से पहले सोचना था। और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक तो है नौकुचा था और एक है पांडे गाँव। आपको पांडे गाँव वाले रास्ते के लिए जाना है, क्योंकि पांडे गाँव से ही पैराग्लाइडिंग होती है। पांडे गाँव में ऊंचाई से यहाँ पर आप मोमोज वगैरह खा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे मोमोज बनते हैं यहाँ पर। और ये हम जिस रोड पर जा रहे हैं इसका है पांडे गाँव रोड। इस रोड पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सिर्फ लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैराग्लाइडिंग वाला ट्रैफिक दिखेगा। उतना रश नहीं है इस रोड पे। और ये हेयर पिन बैंड है, इसमें आराम से काटिए। अभी उनके ऊपर ही रोकना जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। रेट वगैरह कितना वेट बताया आपने? 85 के जी। बाकी कितने टाइमिंग तक होता है ये? इसका टाइमिंग जो रहता है 3-9 मिनट का रहता है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कब तक होता है, मतलब लास्ट टाइम 6 बजे तक जब तक उजाला है, जब तक समय है। अच्छा अच्छा, सबसे बढ़िया व्यू है ये, फर्स्ट है और सबसे पहला पैक है। तो आप ये रेट भी रीजनेबल, आप ये सजेस्ट करेंगे ना किसी बिना, मतलब कोई जो मीडिएटर होता है
कमीशन रहता है उसका, उसके बिना आए सीधे डायरेक्ट आ जाए वो बेटर रहेगा, बेटर क्योंकि वो आप वही रेट लगाएंगे उनको। बीच से गायब कर देते हैं, मैं पासवर्ड भेजा वो वाला काम नहीं करते हम, क्योंकि देखो हमारे जो पायलट रहते हैं प्रोफेशनल है, हिमाचल के हमारे लोकल लड़का कोई भी नहीं होगा, सारे पायलट जो है हमारे हिमाचल के रहते हैं, आप इनका लाइसेंस भी देख सकते हैं, इनका एड्रेस भी देख सकते हैं। दूसरा कोई हाई टेंशन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वायर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, आपका बच्चा वहाँ से फ्लाइंग कर रहा है तो देखो उनके पेरेंट्स लोग देख रहे हैं। देखिए देखिए एक और हो गया, यहाँ से फिर से फ्लाइट हो गया, सामने सामने हो रहा है, पीठ कुछ नहीं हो रहा है, जो पायलट है हिमाचल के अदर साइड है इलेक्ट्रॉनिक वायर दिखेंगे सबसे पहले, देखो आप बिल्डिंगे बनेंगी, टेक ऑफ दिखेगा तो लैंडिंग नहीं दिखेगी, लैंडिंग दिखेगा टेक ऑफ नहीं दिखेगा। जो लोग बाइक वो लोग बाइक से सर्विस करते हैं, हम 4x4 से करते हैं, आपका प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, हम सर्विस और सेफ्टी बहुत अच्छे से देना जानते हैं, ताकि कस्टमर तो मतलब टूरिज्म से भी हुआ है ना, फर्स्ट में इनको कस्टमर 2000 रुपए का साइन कर रहा है तो उसको सर्विस देना भी हमारा काम है, ये नहीं कि बाइक में बैठा लिया या रास्ते में छोड़ दिया, उसको अभी यहाँ से गाड़ी तो आप सीधे मेन रोड में सीधे आप यहीं आ सकते हैं, हमारे तो जो भी कोई भी गेस्ट आता है वो इधर ही आता है। चलिए चलो एडवेंचर सबसे पहले यहाँ पे यही खुला होता है, सबसे पहले बहुत पुराना है, न कोई हाई टेंशन लाइन है ना कोई है, और इनके पायलट हिमाचल के बहुत से ऐसे मिलेंगे कि जो अनट्रेंड होते हैं और वो बोलेंगे हाँ, लोकल लड़कों से फ्लाइंग करवाते हैं तो 100-200 रुपए में ठीक तो भी है, कराने पैसों से मतलब रहता है, लेकिन यहाँ कस्टमर को पता नहीं है, कस्टमर को गुमराह कर देते हैं ना ये लोग। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपका नाम कमलेश सिंह, तो दोस्तों अब हम ये पैराग्लाइडिंग का साइट पूरी करने के बाद अब आ रहे हैं हॉट एयर बैलून की ओर। हॉट एयर बैलून ये नगुचादाल रोड पर ही है, ये हमने आपको पहले वीडियो में भी दिखा दिया था कि हॉट एयर बैलून कहाँ से होता है, और अब हम नीचे जहाँ पर हॉट एयर बैलून हो रहा है वहाँ पर जा रहे हैं। तो नवीन जी इसका रेट क्या है? 1500 बता रहे हैं जो पर पर्सन, 1% 1500 रुपया हाइट। तो यहाँ से आपको, यहाँ से ऊपर से आपको काफी मतलब अच्छा लेक व्यू दिखेगा, लेक व्यू दिखेगा, पूरी लेक दिखेगी, और अभी तो सनसेट भी हो रहा है। और अभी अच्छा व्यू दिख रहा, तो 1500 रुपये में आप यहाँ पर हॉट एयर बैलून का आनंद ले सकते हैं भीमताल में। भीमताल में दोस्तों मैंने पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के कॉन्टैक्ट नंबर अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और जिस किसी को भी पैराग्लाइडिंग या हॉट एयर बैलून का लुत्फ उठाना है तो आप आइए नैनीताल के भीमताल में और पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून का लुत्फ लीजिए। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।